सुप्रभात, गुड मॉर्निंग भक्तजन। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भक्तजन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि माँ दुर्गा के हाथों में कहाँ से आए त्रिशूल समेत सभी अस्त्र शस्त्र, इसका क्या रहस्य है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। देवी दुर्गा के अस्त्र शस्त्र का उद्देश्य दैत्यों का नाश करना है और भक्तों को अभयदान प्रदान करना है। नवरात्रि साल में 4 बार माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन में नवरात्रि पड़ती है, जिनमें से चैत्र और अश्विन नवरात्रि को व्यापक स्तर पर मनाया जाता है। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 2 अप्रैल से हो चुकी है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का जो स्वरूप है उसमें उनके 8 हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र कहाँ से आए? चलिए जानते हैं माँ दुर्गा के हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र के बारे में। नंबर 1, शंख। पुराणों के मुताबिक माँ दुर्गा के हाथों में शंख वरुण देव ने प्रदान किए। मान्यता है कि माँ दुर्गा की शंख की आवाज से ही सैकड़ों असुरों का नाश हुआ था। शंख का नाद नकारात्मक एनर्जी को दूर करता है। नंबर 2, चक्र या सुदर्शन चक्र। पुराणों में वर्णित है कि भगवान विष्णु ने माँ दुर्गा को सुदर्शन चक्र प्रदान किए थे। मान्यता है कि इस चक्र के इर्द गिर्द ब्रह्मांड घूमता है। नंबर 3, तलवार। गणेश भगवान ने माँ दुर्गा को तलवार प्रदान किया था। मान्यता है कि माँ दुर्गा के तलवार की धार बुद्धि की तीक्ष्णता और उसकी चमक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। नंबर 4, वज्र। इंद्र ने माँ दुर्गा के हाथों में वज्र प्रदान किया था। वज्र को आत्मा की दृढ़ता और मजबूत इच्छा शक्ति का प्रतीक माना गया है। देवी दुर्गा अपने भक्तों को आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति प्रदान करती है। नंबर 5, कुल्हाड़ी और फरसा। भगवान विश्वकर्मा ने माँ दुर्गा को कुल्हाड़ी और फरसा भेंट किया था, जो कि बुराई से लड़ने का प्रतीक है। नंबर 6, धनुष और वाण। मार्कंडेय पुराण के मुताबिक सूर्य देव और पवन देव ने मिलकर माँ दुर्गा को धनुष और वाण प्रदान किए थे। इन दोनों अस्त्र शस्त्र ऊर्जा के प्रतीक है। नंबर 7, भाला। अग्नि देव ने माँ दुर्गा को भाला प्रदान किया था। ये उग्र शक्ति और शुभता का प्रतीक है। नंबर 8, त्रिशूल। भगवान शिव ने माँ दुर्गा को त्रिशूल भेंट किए थे। माना जाता है कि त्रिशूल के 3 शूल सत्व, रजस और तमस गुणों के प्रतीक है। इनके संतुलन से ही पूरी सृष्टि का संचालन होता है। माँ दुर्गा ने त्रिशूल से ही महिषासुर का वध किया था। तो भक्तजन, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसे ही अद्भुत और अलौकिक पौराणिक कथाओं को जानने के लिए तथा सनातन धर्म और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारा भी निरंतर यही प्रयास रहता है कि कैसे आपके समक्ष अच्छी से अच्छी और सुंदर से सुंदर वीडियो प्रस्तुत की जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और निरंतर माता का स्मरण करते रहिए। देर सवेर माँ दुर्गा आपकी वंदना जरूर स्वीकार करेगी। बस आपकी वंदना सच्ची और निष्ठावान होनी चाहिए। आपको माँ पे संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। माँ बस अपने भक्तों की परीक्षा लेती है। हमें उसी समय अपना धैर्य और साहस बनाकर रखना है। अपने प्रभु पर और माता पर संपूर्ण विश्वास रखना है। तो भक्तजन, मिलते हैं अगली वीडियो में। हम भी माता रानी से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे। बाय बाय दोस्तों, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और प्रेम से बोलिए जय माता दी, जयकारा सिरा वाली का, बोल साची दरबार की जय।